सारी लड़कियां बनात के इदारों में नहीं पढ़ती हैं, आपकी लड़कियां कॉलेज में भी पढ़ती हैं, कॉन्वेंट में भी पढ़ती हैं, वहां दीन से दूर है वो, और उन लड़कियों को, उन औरतों को दीन सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोग सबको ये बोलिए, इंशाल्लाह अपने अपनी मस्जिद में इंतजाम करेंगे औरतों के लिए जुमा में, औरतों के लिए जुमा में मस्जिदों में इंतजाम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال اسٹیج کے اوپر موجود मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, काफ़ी अरसे के बाद मोहनपुर की सरज़मीन पर आने का इत्तेफ़ाक़ हुआ है। जी तो चाहता था कि एक दो दिन आपके दरमियान गुजारा जाए, कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन ज़िंदगी मेरे भाइयों, इंसान की जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसकी मसरूफियात बढ़ती हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ये आज का प्रोग्राम जामिया नजमुल हुदा, जो आपके इस इलाके का बड़ा अहम इदारा है, इस इदारे की तरक्की के लिए, इसके ताउन के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और मुझे आपके सामने हाज़िर होने का मौका मिला है। रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं, मेरे पास आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए सिर्फ 50 मिनट का वक्त है। बड़े अहम मौजू पर कुछ बुनियादी बातें, कुछ अहम बातें आपके सामने रख करके मैं इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त ले लूँगा। कुरान करीम की सूरह राद की आयत नंबर 11 मैंने आपके सामने तिलावत की है खुतबे मसनूना के बाद। कुरान की ये आयत
उरूज ज़वाल की दास्तान बताती है। दुनिया की कोई कौम उरूज क्यों पाती है और ज़वाल क्यों पाती है? उरूज और ज़वाल का मतलब समझते हैं कि नहीं आप? उरूज का मतलब प्रगति, डेवलपमेंट, तरक्की, और ज़वाल का मतलब है पस्ती, गिरावट, पतन। कोई भी कौम तरक्की क्यों करती है और कोई कौम तरक्की से फिर नीचे क्यों गिरती है? कुरान की यह आयत एक उसूल बताती है, एक कायदा बताती है। आइए पहले इस आयत को समझते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को, उसकी परिस्थितियों को, उसकी सिचुएशन को नहीं बदलता है जब तक वो कौम अपने करतूतों को ना बदल ले, अपने कामों को ना बदल ले, अपने किरदार को ना बदल ले, तब तक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता। आप चैन से रहें, आप सुख के साथ रहें, खुशी के साथ रहें, अल्लाह की नेमतों का फ़ायदा उठाएं, अल्लाह ताला आपको कभी उन नेमतों से महरूम नहीं करेगा। आपके सुख को अल्लाह ताला कभी दुख के ज़रिए नहीं बदलेगा। आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी। हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक आप अपनी हरकतें ना बदल लें, आप अल्लाह की नाफरमानियां करने लगेंगे, आप अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगेंगे, आप गुनाह के काम करने लगेंगे, तब अल्लाह ताला आपकी परिस्थितियों को तब्दील कर देगा। और आयत करीमा का जरा अगला टुकड़ा देखिए। وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी कौम को बिगाड़ना चाहे, तबाह करना चाहे, बर्बाद करना चाहे, फला मरद लहू, तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के अलावा कोई उसको बचाने वाला, कोई उसकी हेल्प करने वाला, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। मुसलमान दुनिया में सुपर पावर थे भाई। दुनिया के तीन हिस्से अगर कर दो तो दो हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मुसलमानों का कमांडर जब जमीन के हिस्सों को फतह करता हुआ समुंदर के किनारे पहुंचा तो उसने आसमान में हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, मेरे आगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, अगर मुझे पता चल जाए कि इस पानी के उस पार भी कोई तेरी मखलूक रहती है, इंसान रहते हैं, आबादी बसती है, तो अल्लाह तेरा ये बंदा अपने घोड़ों को इस समंदर की इस पानी में डाल देगा और उस धरती के ऊपर जाकर भी तेरी तकबीर के, तेरी तौहीद के परचम को बुलंद करेगा। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में कहा था, दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। कभी हमारा ये पावर था, कभी हमारा ये पावर था कि हारून रशीद का दौर है, हारून रशीद अपने मकान की छत पर खड़ा हुआ है, आसमान में बादल चमक रहा है, आसमान में बादल नजर आ रहा है, हारून रशीद कहता है, ऐ बादल तू जहां भी चला जा, तू जहां पर भी बरसेगा, मुझे पूरा यकीन है तू जब तू बरसेगा और तेरी बारिश से जब ज़मीन में खेती निकलेगी, मुझे पूरा यकीन है तू कहीं पर भी बरसेगा उस खेती का टैक्स मुझे ज़रूर मिल जाएगा, तू धरती पर जहां पर भी जाएगा वहां पर इस्लाम का परचम ज़रूर मौजूद होगा और मेरे खजाने में, इस्लामी खजाने में वहाँ का टैक्स ज़रूर आ जाएगा। ये पावर था। लेकिन आज एक दौर ऐसा है, आपको मारा जाए, आपको काटा जाए, आप पर जुल्म किया जाए, आप लब नहीं हिला सकते साहब। कुत्ते और बिल्ली और जानवरों के हुकूक के लिए कमीशन बने, इदारे बने हैं, आपकी जान और माल की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। वो कौम जो इतनी ताकतवर थी,
आज इतनी पस्त क्यों हो गई, आज इतनी गिर क्यों गई, और आज उसकी जान और माल इतनी असुरक्षित क्यों हो गई, इतनी अनसेफ क्यों हो गई, इतनी गैर महफूज क्यों हो गई। अब इसको समझने के लिए दो हदीसें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला नु हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदा अला कलतु इला कसअतिहा। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, वो दौर बहुत करीब है, वो दौर बहुत जल्दी आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से दस्तरखान लगा हुआ हो, लोग बारी बारी आकर के दस्तरखान पे खाना खा रहे हो, तुमको मारने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए कंपटीशन हो जाएगा, मुकाबला हो जाएगा, दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबा ने पूछा, अमिन किल्लतिन नहु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस दौर में हमारी तादाद कम होगी? का नहीं, तादाद तो बहुत होगी, तादाद में तुम कम नहीं रहोगे, तुम्हारी संख्या कम नहीं रहेगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सैल, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर जो झाग होता है, सैलाब पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुला होता है, तुम उस बुलबुले की तरह हो जाओगे। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा भय खत्म कर देगा, तुम्हारी हैबत खत्म कर देगा, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, हमारे दिलों में अल्लाह ताला कौन सी कमजोरी डाल देगा? फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, तुम्हें दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, और मौत से तुमको कराहियत होगी, मौत को तुम नापसंद करोगे, तुम्हें जिंदगी प्यारी हो जाएगी, तुम्हें दुनिया प्यारी हो जाएगी। आज मुसलमान ब्याज पर कर्जा ले रहा है और दे रहा है, क्यों भाई? मुसलमान जुआ खेल रहा है क्यों? मुसलमान शराब पी रहा है क्यों? मुसलमान हराम का लुकमा अपने पेट में डाल रहा है क्यों? क्योंकि हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत इसके दिल में पस चुकी है। मेरे जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, उस नबी ने दुनिया में जिंदगी गुजारी मगर दुनिया से मोहब्बत नहीं की। अल्लाह के नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे हुए, आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। सहाबा कहते हैं, अल्लाह के नबी, कैसरों की जरा तो आराम दे, गद्दों और बिस्तरों पर सोएं, और अल्लाह का आखिरी नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटे। हे अल्लाह के नबी, ये मंजर हमसे देखा नहीं जाता है। लवी तखजना लकविता अन, हे अल्लाह के नबी, आप हुक्म दे दें, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, बिस्तर का इंतजाम कर दें। नबी का जवाब सुनो मेरे भाई, बड़ा प्यारा जवाब दिया अल्लाह के नबी। फरमाया है, मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरा दुनिया से क्या संबंध है? माना इल्ला करा कि बिन इस्तजल्ला ताता शजरतिन सुम्मा राहा फतर कहा। मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आया हूँ, एक मुसाफिर किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करता है, थोड़ी देर तक सुस्ताता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरा सोर्स, मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये दुनिया तो मेरा वक्ती आराम करने की जगह है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, मेरी असल मंजिल आखरत है। इसलिए है मेरे सहाबा, मैं जैसा हूं मुझे वैसा रहने दो।